एंड दिस इज एग्जाम्पल नंबर 10। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वाट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट एंड 360 वाट व्हेन हीटिंग इज एट द मिनिमम। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट्स। सो व्हाट आर द करंट्स एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस, ये हमको बताना है। समझ में आया कुछ क्वेश्चन? नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, एक आपके पास प्रेस है आयरन करने वाली, कपड़े आपको प्रेस करना है। एक बार आपको कॉटन का कपड़ा करना है, एक बार आपको सिल्क का करना है। तो किस में आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, गर्म प्रेस चाहिए किस में ज़्यादा? कॉटन वाले में, जीन्स करते हैं ना तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, मीन्स गर्म ज़्यादा चाहिए आपको। इसमें यहाँ पे देखो नॉब होता है, उसमें लिखा था सिल्क है, कॉटन है, जीन्स है, वूल है, क्या है। तो आप यहाँ पे रेगुलेटर से सेट करते हो, और यू नो रेगुलेटर से क्या सेट करते हो कि फ्लो ऑफ द करंट, जितना ज़्यादा करंट हुआ उतनी ज़्यादा एनर्जी आएगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी मीन्स उतनी ज़्यादा प्लेट गर्म होगी। दैट मीन्स तो पहले केस में हम ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, मीन्स हो सकता है हम कॉटन या जीन्स को प्रेस कर रहे हैं। तो द रेट ऑफ एनर्जी दिया हुआ है 840 वाट, और वाट इज़ अ यूनिट ऑफ वाट, पावर, राइट। तो पहले केस में हमको दिया 840 वाट, और वोल्टेज कितना यूज़ कर रहे हैं हम, 220, घर में यूज़ कर रहे हैं, 220 वोल्ट आपके घर में आ ही रही है। तो पहले केस में आपके नॉब की सेटिंग की सच दैट यू आर कंज्यूमिंग 840 वाट्स। सेकेंड केस में यू वॉन्ट टू यूज़ द सेम प्रेस फॉर हीटिंग समथिंग लाइक से सिल्क और पॉलिएस्टर, तो आपने उसके नॉब को ऐसी सेटिंग की, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो आपने सो दैट कम पावर आप यूज़ करोगे, राइट, कम करंट का फ्लो होगा। जब कम करंट का फ्लो होगा मीन्स यू विल यूज़ यस पावर। सो पावर सेकेंड केस में कितनी है, 360 वाट। अब आपको बोल रहा है कि पहले केस में जब आपने नॉब की सेटिंग की थी जहाँ आप ज़्यादा पावर यूज़ कर रहे थे मीन्स ज़्यादा करंट जा रहा था, वो कितना करंट था और उस समय रेजिस्टेंस कितना था, ठीक है, ये बताना है। तो देखो बहुत सिंपल है, कैसे सॉल्व करेंगे, वी विल राइट एज वी नोट दैट द पावर इनपुट, पावर की जो फार्मूला था P इज इक्वल टू होता है वी आई, वी इज़ द वोल्टेज, आई इज़ द करंट। P हमें मालूम है, देखो P मालूम है, V मालूम है, तो I निकाल सकते हैं, और दोनों केस में P है, V, V कांस्टेंट है, V इधर है, ये P है, तो हम निकाल सकते हैं। सो विल सॉल्व इट दिस वे, I करंट निकालना, I इज इक्वल टू P अपॉन V। सो इन द फर्स्ट केस व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट, जहाँ हम जीन्स को कर रहे थे हीटिंग, तो करंट कितना होगा, 840 वाट डिवाइड बाई 220 वोल्ट, दैट मीन्स 3.82 एम्पियर, इतना करंट फ्लो रहा होगा। अब देखो पहले वाले केस में वोल्टेज हमें मालूम है, हमें करंट मालूम चल गया, तो V मालूम है और I मालूम है, तो रेजिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं बाय ओम्स लॉ, क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर। सो द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट R इज इक्वल टू V अपॉन I, दैट मीन्स V 220 है, I हमने यहाँ से निकाल ही दिया, तो कितना रेजिस्टेंस आ गया, 50.60 ओम्स, दिस इज द रेजिस्टेंस। तो जब हम इतनी पावर कंज्यूम कर रहे थे उस समय हमारा जो ये थी बैटरी, मतलब ये जो आयरन था उसमें रेजिस्टेंस इतना था एंड करंट इतना फ्लो रहा था, इन दोनों आई स्क्वायर आर टी यदि आपने मल्टीप्लाई करो या वी इंटू आई करोगे कितनी पावर यूज़ कर रहे थे आप, 840 जूल्स पर सेकेंड आप यूज़ कर रहे थे। अब आपको करना है कोई पॉलिस्टर या सिल्क की चीज़, तो आपने नॉब को रीसेट किया अगेन बाय यूजिंग द सेम फार्मूला। यू कैन से व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम रेट, तो आई की वैल्यू सेम फार्मूला पी अपॉन वी, तो इट इज़ 1.6 एम्पियर। अगेन एम्पियर मालूम है, वोल्टेज मालूम है, तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा बाय ओम्स लॉ, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। लेट्स सॉल्व इट, तो आंसर कितना गया, 134.15 ओम्स, इतना रेजिस्टेंस हो गया। दैट मीन्स हमने इस नॉब को घुमाने से इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया कि बहुत मिनिमम करंट ही इसमें आएगा। जब मिनिमम करंट आएगा तो करंट ही तो है, विच इज़ फ्लो ऑफ चार्ज। जब फ्लो ऑफ चार्ज ही कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हीट कम प्रोड्यूस होगी, जब हीट कम प्रोड्यूस होगी तो पावर कम यूज़ होगी। तो नॉब का काम यही होता है, समझ गए, वेरी गुड।